जनपद संबल में बेहद चौंकाने वाला यह मामला चंदौसी कोतवाली इलाके का है। चंदौसी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक डीके शर्मा ने बताया कि आज कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके के मुरादाबाद बदायूं हाईवे पर तहसील के समीप 8 साल का बच्चा जो कि अपना नाम उत्कर्ष बता रहा है, अपने अगवा होने और अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर आने की बात बता रहा है। अगवा किए गए बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर आने की मिली सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंच गई और 8 साल के उत्कर्ष को अपने साथ कोतवाली ले आई। कोतवाली में पुलिस ने जब अगवा होने के बाद कह रहे 8 साल के उत्कर्ष से जानकारी की तो उसने बेहद नाटकीय ढंग से पुलिस को बताया कि वह चंदौसी के सेक्रेट हार्ट स्कूल में कक्षा 3 का स्टूडेंट है और मुरादाबाद जनपद के बिलारी में रहता है। आज सुबह 10 बजे जब वह ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था, बदमाशों ने उसे खुद सुंगाकर बेहोश करने के बाद उसका अपहरण कर लिया। बदमाश उसे अपनी वैन से लेकर चंदौसी के समीप पहुंचे तो रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने पर पकड़े जाने के डर से उसे वैन से उतारकर भाग गए। पुलिस ने किडनैप की घटना की जानकारी पर शक होने पर जब उत्कर्ष से सख्ती से जानकारी की तो उत्कर्ष ने पुलिस को जो जानकारी दी उसको जानकर पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। उत्कर्ष ने पुलिस को बताया कि वे कक्षा 3 का स्टूडेंट है। आज ट्यूशन में हिंदी के टेस्ट में उसका 0 आया था। टेस्ट में 0 आने की जानकारी ट्यूटर ने फोन से उसके पेरेंट्स को दे दी थी, जिसकी वजह से पेरेंट्स की डांट फटकार के डर से उसने अपने फर्जी किडनैप की प्लानिंग की थी। फिलहाल पुलिस ने अपने अगवा होने की स्क्रिप्ट लिखने वाले 8 साल के उत्कर्ष को उसके परिजनों को सौंप दिया है। मेरा नाम उत्कर्ष है। हाँ, आपको कहाँ से उठा के ले गए? मुझे बिलाड़ी से उठा के ले गए। मैं अपनी ट्यूशन से आ रहा था तो तभी मेरे ट्यूशन के गेट के सामने से मैं बैठाल के उठा के ले गया और मुझे बेहोश कर दिया। फिर मुझे यहाँ पे छोड़ा यहाँ। अपने आप छोड़ा या आप उतर के भाग गए? मैं अपने आप छोड़ा, मांग रहा था यहाँ पे। सर मैं बिलारी जाऊँगा, 10 रुपये दो आप मुझे। तो हमने कही 10 नहीं दिए, हम तुझे 50 देंगे। अभी 100 नंबर बुला रहे हैं, आपको पूरी सुरक्षा से भेजेंगे, पूरी सुरक्षा के। हमारे भाई साहब हैं पत्रकार, उन्हें बुलाया हमने। उसके बाद में सर बच्चों को हमने यहाँ रोक दिया, समोसे मंगाए खाने के लिए। मैंने खाना खिलवाऊंगा तो चाय पिलवाएंगे, उसके बाद भेजेंगे आपको। ये आपकी दुकान पर आया? हाँ जी, खुद ही आया चल के। एक बच्चा उत्कर्ष राठी, पुत्र रिंकू राठी, उम्र लगभग 8 वर्ष। अभी कुछ समय पहले अचेत अवस्था में मिला था, जिससे जानकारी की गई तो उसने बताया कि बिलारी से मुझे किडनैप किया गया और किडनैपर रेलवे फाटक बंद होने का मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। जब इसकी विस्तृत जानकारी की गई तो मालूम पड़ा ये लड़का सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल स्कूल में कक्षा 3 का छात्र है और शक्तिनगर में रहता है। इसके पिताजी आरओ का काम करते हैं, बहुत मेहनत मजदूरी करके इसको पढ़ा रहे थे, लेकिन इसका पढ़ाई में कोई दिल नहीं लग रहा था और हिंदी के टेस्ट में इसके 00 नंबर आए थे। इसी बात से घबरा था कि मेरे घर वाले, मेरे परिवारजन जो इतनी मेहनत से मुझे पढ़ा रहे हैं कुछ कहेंगे, इसलिए ये फर्जी नाटक रखा। फिलहाल इसको तो परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल इसको परिजनों को सौंप दिया गया है और परिजन इसकी इस घटना पर, इस करतूत पर बहुत अफसोस प्रकट कर रहे हैं।